1950 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ तो 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद 1956 तक उन्होंने उस पर जो आर्टिकल 370 को टेम्परेरी कर लिया, इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थे उन्होंने अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, उसमें 1956 तक वो कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1957 में वो केम इन टू फोर्स, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया 90 जो है आर्टिकल 370 को। और उसमें से सिर्फ तीन चीज़ें जो भारत की सरकार के पास थी वो सब जानते थे, आप सब जानते हैं, आप सब लोग, टेली कम्युनिकेशन, फॉरन अफेयर्स और डिफेंस। बाकी ऑटोनॉमी हमारी स्टेट को थी। खैर, मैंने सेठी साहब से कई तरह के उससे मिला, उससे मैंने कई तरह के सवाल पूछे इसके रिलेटेड। मैंने कहा आपको कभी आप लोगों को ये ख्याल था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसको कभी भी इस ऑटोनॉमी को ख़त्म कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कभी हमने सोचा, इट इज़ डेड इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 3 में जो दिया गया है कि जब तक अगर पार्लियामेंट के पास, जहां मैं ये बात ऐड करना चाहता हूं, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, स्टेट को बाइफर्केट कर सकता है, नाम बदल सकता है, लेकिन उसके लिए जिस स्टेट के लिए ये सब कुछ किया जाए वहाँ के जो स्टेट असेंबली है उनसे पूछा जाए, उस बिल को वहाँ भेजा जाए कि वो पास करे या ना करे। लेकिन जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली की कंकरेंस चाहिए, जो आर्टिकल 3 में है, जम्मू कश्मीर कंकरेंस चाहिए, व्यूज नहीं। लेकिन इन्होंने ये जो प्लान किया गया, जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया जम्मू कश्मीर स्टेट को, तो जो ही प्रेसिडेंट रूल लगता है तो इन्होंने आर्टिकल 3 को सस्पेंड कर लिया कि अब जो है स्टेट असेंबली की कॉन्करेंस की ज़रूरत नहीं है, इसको सस्पेंड कर लिया। ये रातों रात ये एब्रोगेट नहीं हुआ, ये पूरे प्लान से किया गया, इसको सस्पेंड किया गया। और व्यूज पार्लियामेंट देगा, स्टेट असेंबली नहीं, क्योंकि स्टेट असेंबली थी, आप पार्लियामेंट व्यूज देगा। बेसिकली जो कंकरेंस, एक्चुअली आप लोगों ने ला भी जानते होंगे यहाँ बहुत लोग, केटी शाह लिख अपने वहाँ लिख रहा है कि पहले वो कह रहा है कि नहीं, जब भी अगर कोई बिल पास कर रही है जो किसी भी स्टेट के लिए, तो उसके लिए रेफरेंडम किया जाए। फिर वो कह रहा है कि नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे पहले उनसे वहाँ भेजा जाए, तो या अगर वहाँ से जो पास होते हैं तो फिर, अगर वो पास होता है वहाँ से तो फिर वो पास किया जाए। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए एक सदमे से कम नहीं है। आप देखिए, हमने फेडरलिज्म पढ़ा, आप सभी जानते हैं फेडरलिज्म में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, अगर तमाम स्टेटों को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए तो यूनियन फिर स्टेट फिर ये यूनियन फिर कहाँ क्या करें यार। तो इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। बाकी अब हमें यकीन है, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को चैलेंज किया है, हम पिछले महीना भर रहे यहाँ, हमने बड़ी कोशिश की कि चलो ये सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर को इसकी सुनवाई है, हमें बड़ी उम्मीद है कि अब मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, अब हमें उम्मीद है कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट से हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलीफ मिल जाए, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी। खैर, मैं अब आगे जाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ सब साथियों ने जो सारी चीज़ें कर ली, क्योंकि मैंने कुछ जो है, हालांकि हमने आपने जो है वो जो फेडरलिज्म के लिए या इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल
एंड पॉलिटिकल राइट्स जो अडॉप्ट कर लिया था 1976 में UNGA में, वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने इंटरनेशनल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को रिजर्वेशन दी, उसका क्या मीनिंग हुआ? वही रेस्पेक्ट द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ पीपल। खैर, ये आजमाइश भी है, हमें कोशिश करनी चाहिए। और हमें बड़ी खुशी है कि जो हमारी, मैं सब साथियों को ये कह रहा हूँ, कई बार हमारे डिस्कशन होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो दिल्ली के खासकर जो क्रीम है, जो खासकर यहाँ के लोग हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ हमें बेहद खुशी है कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोगों ने हमें यहाँ मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।